हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक निजी बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा पठानकोट से डलहौजी के रास्ते पर हुआ। जम्मू की सीमा से सटे पिंडी इलाके के खेतों में भीषण आग लग गई। हवा तेज होने की वजह से आग ने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते कुछ मिनटों में गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बताया गया कि आग ने 400 बीघा खेत को अपनी जद में ले लिया, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे अरनिया सब सेक्टर के पिंडी गांव में लगी इस आग को बुझाने की भरसक कोशिशें की गयी। बीएसएफ के जवान और गाँव वाले एक साथ आग बुझाने में जुटे रहे, लेकिन तेज धूप और हवाओं की वजह से आग फैलती गई और सभी की कोशिशें नाकाफी साबित हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ महिलाओं ने एक आदमी को बीच सड़क पर चप्पलों से पीट दिया। आरोप है कि महिलाओं ने कंपनी से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लिया था, जिसकी रकम चुका देने के बाद भी कंपनी की तरफ से महिलाओं को पैसे जमा करने का नोटिस भेज दिया गया। इससे गुस्साए महिलाएं कंपनी के दफ्तर पहुँच गयी, जहाँ उनका गुस्सा कंपनी के कर्मचारी पर फूट पड़ा। इस दौरान महिलाओं का गुस्सा देख कंपनी का कर्मचारी वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। इसके बाद महिलाओं ने आदमी को बीच सड़क पर चप्पलों से पीट दिया। सड़क पर काफी देर चले इस हंगामे के बाद महिलाओं ने आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी किस्त जमा कर दी, उसके बाद में भी हमारा नोटिस आया कि तो तुमने एक रुपया जमा नहीं करा। इस दौरान कंपनी का कर्मचारी भी अपनी सफाई में दलीलें देता रहा। मैं इनको लिख के देने तैयार हूँ, मैं लिख के दे दूँ आपको, एक महीने में कितने एक्स्ट्रा मैं लेके दूंगा आप, फिर भी ये मार्केट में उतर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्ज देने वाली कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद उसने कई शहरों में ऐसे ही नोटिस लोगों को भेजे।